ह्यूमनकाइंड वेलफेयर कानपुर की एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन, इसके वन ऑफ द फाउंडर मेंबर्स अबुल हसन जी से मैं फेसबुक के थ्रू कांटेक्ट में आया और ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ गया। उनसे मुझे पता चला कि 14 नवंबर वेडनेसडे को वो लोग वहाँ कोई चिल्ड्रंस डे का प्रोग्राम कर रहे हैं। मैंने आने की गुजारिश की और उन्होंने खुले दिल से इस्तकबाल किया। बस फिर क्या था, कॉलेज से एक दिन की छुट्टी ली और मैं वहाँ पहुँच गया। काकोमी स्लम, जूही परमपुरवा, कानपुर। पहली बार बिना पैसों के पढ़ाया तो जो खुशी महसूस हुई वो बयां नहीं कर सकता। पता चला कि यहाँ संडे संडे क्लासेस पढ़ाई जाती थी। बस फिर क्या था, दिल में ठान लिया कि इनके लिए कुछ करना है। पर खुदा को कुछ और ही मंजूर था। दो ड्राइव के बाद जो अगली ड्राइव 25 नवंबर को होनी थी वो कैंसिल हो गई। 23 नवंबर हिंदुस्तान पेपर के इस आर्टिकल ने हर मेंबर के होश उड़ा दिए। मुझे इससे रिलेटेड लीगल मैटर क्या है नहीं पता, बस इतना पता चला कि टेफ्को जगह खाली कराई जा चुकी है और 6 जगह और खाली होनी है, जिसमें काकोमी कंपाउंड भी है जहां हम उन गरीब बच्चों को पढ़ाने जाते हैं। आप देख सकते हैं ACM इस बच्चे से कह रहा है कि कल से तुम्हें ये जगह खाली करनी पड़ेगी। वो इससे ये नहीं कह रहा कि तुम चाइल्ड लेबर कर रहे हो और तुम्हें स्कूल जाना चाहिए। DM कानपुर का स्टेटमेंट, जिस आधार पे कब्जे होंगे उसी आधार पे फोर्स मंगवा कर कार्रवाई की जाएगी। दैनिक जागरण का आर्टिकल, काकोमी कंपाउंड के 30 बंगलों में रहते हैं 70 परिवार। कितने आलीशान और सुंदर बंगलों हैं आप देख सकते हैं, और इसमें रहने वाले लोग भी कितने अमीर हैं ये भी आप इस फोटो में देख सकते हैं। न्यूज़ सुनने के बाद मेरी वहाँ जाने की हिम्मत ना हो सकी। अबुल हसन जी से ही पता चला कि अब वहाँ से ज़्यादातर लोग जा चुके हैं, जो बचे हैं वो भी जल्द ही चले जाएंगे। अब ये बच्चे कहाँ होंगे मुझे नहीं पता, इनके परिवार कहाँ होंगे मुझे नहीं पता, शायद इनसे दोबारा कभी नहीं मिल पाऊँगा। बस इस कहानी को आप लोगों तक पहुँचाना चाहता था। अगर लगे कि ये कहानी और लोगों तक पहुँचनी चाहिए तो शेयर ज़रूर करें। मैं अकेला दिया टिमटिमा रहा हूँ, कुछ नहीं कर पाऊँगा। मैं अकेला दिया टिमटिमा रहा हूँ, कुछ नहीं कर पाऊँगा। अगर आपकी लौ साथ मिल जाए, अगर आपकी लौ साथ मिल जाए तो मशाल बन जाऊँगा। अंधेरे पड़े हैं इस जहाँ के रास्ते, अंधेरे पड़े हैं इस जहाँ के रास्ते, जो अगर मशाल बन गया तो इन रास्तों को रोशन कर जाऊँगा। मैं अकेला दिया टिमटिमा रहा हूँ, कुछ नहीं कर पाऊँगा। मैं अकेला दिया टिमटिमा रहा हूँ, कुछ नहीं कर पाऊँगा।